अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं। मैं यूट्यूब की चैनल फसी दुबई दुबई की वीडियोस बनाता हूँ। एक नई वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूँ। मैं खड़ा हूँ शारजा, अरबी में लिखा हुआ है, किस साइड पे लिखा हुआ है अगर किसी को समझ आ रही है तो ये लिखा हुआ है शारजा एयरपोर्ट सिविल एविएशन, ये इस तरह का करके कुछ लिखा हुआ है। और ये इस साइड पे ये शारजा एयरपोर्ट। अच्छा, वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है वो मैं बताता हूँ। मैं रात को सोया भी नहीं था जस्ट इस काम को करने के लिए। मैं इधर बीच में सो गया था क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा डाउन था, तो वो जो जिस काम के लिए मैं, तो अभी आप एक्सप्लेन कर दूँ उसमें जो दे दी, तो मैं सो गया था। तो सीन कुछ यूँ था और हुआ कुछ यूँ कि हमारा एक टीम मेम्बर जिसको मैं प्यार से रोलर बोलता हूँ, जिसका नाम वलीद है, उसको हमने एज अ एक्सपेरिमेंट उसके साथ हमने डिस्कस किया कि हम, वैसे तो बंदा बताता रहता है ये हो जाता है वो हो जाता है, तो खुद एक्सपीरियंस करे चीज़ें बंदा, और मैं मेनली वो चीज़ बोलता हूँ, वो बात करता हूँ, वो काम करता हूँ जो खुद एक्सपीरियंस किया होता है। तो इसका हमने इसका शारजा का वीज़ा तो किसी और ने निकाला था। तो शारजा में जब आप ओवरस्टे होते हो तो वो दो या तीन दिन बाद मैक्सिमम आपको एब्सकॉन्डिंग में डाल देते हैं, ठीक है। और एब्सकॉन्डिंग के बाद अगर जिसने आपका वीज़ा निकाला है अगर वो आपको ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं तो आप ब्लैकलिस्ट में चले जाते हो। तो ये नाम अपेरेंटली बड़ा अजीब लगता है, ब्लैकलिस्ट और एब्सकॉन्डिंग। तो हमने वेट किया तकरीबन कोई 40-50 डेज के इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। एक रिस्की काम था, किसी का करियर ख़राब हो सकता है, लेकिन हमें बिकॉज थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी उसको कन्फर्म करना था कि वाकई में ऐसा हो सकता है। तो आज फिर हम आए आफ्टर ये जो भी टाइम गुजरा 40-50 डेज एटलीस्ट, इसको ऑलमोस्ट इसको 2 मंथ्स होने वाले हैं ओवर स्टे होते हुए। तो हमने साटा में, क्योंकि इसका शारजा का था, तो हमने साटा के जो ट्रैवलिंग एजेंसी होती है जो शारजा एयरपोर्ट को डील करता है और एविएशन के काम को डील करता है, वहाँ जाके हमने 500 दिया। फिर हम सिविल एविएशन के ऑफिस आए, बैक साइड पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है साइड पर, यहाँ से एयरपोर्ट का अच्छा व्यू आ रहा होगा। तो हम ने वहाँ पे 500 पे किया। फिर हम एब्सकॉन्डिंग और ब्लैकलिस्ट का क्लियर करने के लिए फिर हम एविएशन के ऑफिस गए, वहाँ पे 600 पे किया। उन्होंने रीज़न पूछी, हमने साथ में बताया कि रीज़न ये था कि इसके एम्प्लॉयमेंट डाला था और एक दो छोटी और बातें की, ठीक है। अगर मैं वो बताऊँगा तो फिर आप डायरेक्ट इधर आ सकते हैं। तो फिर अगर हमारी सर्विस आप लेंगे तो आपको इजीली सारे काम हो सकते हैं। अब दूसरी बात, मेनली जो विजिट वीज़ाज निकलते हैं, ठीक है, वो निकलते हैं इनके शारजा का, अबू धाबी का और दुबई का। तो शारजा का, अबू धाबी का और दुबई का मैं ये बता दूं कि इनका एब्सकॉन्डिंग का प्रोसीजर भी डिफरेंट होता है और ये जो फाइन्स हैं ये भी डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर आपका एब्सकॉन्डिंग डलता है शारजा का तो तकरीबन 2500 से ऐसे 3000 की रेंज में होता है, अबू धाबी और दुबई का 5500 से 6000 दिरहम की रेंज में होता है। फिर आप वो एब्सकॉन्डिंग जो डल जाता है, या वो आपने पे करना होता है या जिसके वीज़ा आपने लिया होता है, लेकिन पे होना होता है ये। फिर यहाँ पे ये जो फ़ाइन है, ये यहाँ पे हमने 500 और 600 700 डिपॉज़िट किया, तो ये भी डिफरेंट है अबू धाबी और दुबई का, उनका भी 700 है करके इस तरह करके है। और उसके अलावा जितने दिन आप ओवर स्टे हैं वो उसका सेपरेट है। अगर आपका शारजा का है तो मैंने शारजा का अभी पे नहीं किया, अभी पे करेंगे तो उसका एग्जैक्ट पता चल सकता है, लेकिन वो बता रहे थे कि फर्स्ट डे का 340 है और उसके बाद पर डे 100 है। और दुबई का पता है, उसका डेली का 100 दिरहम है। और साथ में ये भी पता चला कि अबू धाबी का एब्सकॉन्डिंग ना हो तो बेस्ट है, डेंजरस है, यानी कि वो उसमें जेल भी हो सकती है, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं और मेन बात पे आते हैं, और वो ये है कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं यार मैं एब्सकॉन्डेड हो गया हूँ या मैं ब्लैकलिस्ट हो गया हूँ तो मेरा अब करियर ख़राब हो जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट, हमें ऑनेस्ट बात करनी चाहिए। किसी स्टेज पे जाके वलीद को भी ये लगता था कि उसका करियर यहाँ पे नहीं है और वो ये शारजा एयरपोर्ट है। अंदर जाना है या इधर से टैक्सी लेके चलें?
अंदर जाना। वैसे ही वीडियो बना रहे तो बता देते हैं इनको वीडियो में। तो वलीद को भी ये लग रहा था और हम कॉन्फिडेंट थे क्योंकि मेरे जो पार्टनर हैं नज़ाकत खान, उनका एक्सपीरियंस था इस चीज़ का कि ऐसा नहीं होता कि कोई आपको बाहर भेज दे और वापस ना आ सको या वापस ना आने वाला कोई ऑप्शन हो। तो हम इस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट थे। एनीवे वी आर इनसाइड शारजा एयरपोर्ट और आप लोगों को मैसेज ये देना है कि जो लोग आपको डराते हैं ट्रैवलिंग एजेंट्स या एजेंसी वाले लोग, दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ शारजा एयरपोर्ट। तो जो लोग आपको डराते हैं वो अराइवल जाएगा। ओके, जो लोग आप लोगों को डराते हैं कि आप ब्लैकलिस्ट हो गए, जैसे जिस एजेंसी के थ्रू हमने वीज़ा लिया था उसने बार बार वलीद को प्रेशराइज़ किया, और कुछ जिनके थ्रू वलीद ने लिया था उनको भी प्रेशराइज़ किया, क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं था कि यार आप ब्लैकलिस्ट हो गए, आपका पूरा फ्यूचर ख़राब हो गया है। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर आप ओवरस्टे भी हो, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, जितने साल, जब आप फ़ाइन पे कर लेते हो तो आपका सब मुद्दा और सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एज सच कुछ डरने वाली बात नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ आप एग्री हो और आपको शुरता ना पकड़े और ये चीज़ें करानी पड़े। अगर आप खुद जाते हो तो आपका फ़ाइन और जो भी इनका स्ट्रक्चर है वो आप पे कर लेते हैं और आप अपना लीगल तरीके से रह सकते हैं। अभी हमने इसका वलीद का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा डालना है सो दैट इसका फ़ाइन रुक जाए, और फिर चेंज ऑफ स्टेटस के टाइम पे हमने इसका पे करना होगा जितना भी है। ये हमें कॉस्टली पड़ेगा 5 to 6,000, लेकिन एक्सपेरिमेंट करोगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करोगे उस टाइम करोगे जब आप खुद एक्सपीरियंस कर चुके हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव।